नमस्कार, मैं दीपाली, आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ। और देखते हैं आज का दिन यानी कि 18 मई 2021 कैसा जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए सामान्यता रहेगा। कुछ खास उतार चढ़ाव कार्य क्षेत्र में या पारिवारिक क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा। सामान्यता जैसे चीजें चल रही हैं चलती रहेंगी। कुछ खास नेगेटिविटी भी देखने को नहीं मिलेगी। मन भी आपका शांत रहेगा। इंडोर्स या एम्ब्रेस कर पाएंगे नई वैल्यूज को, नई विचारधाराओं को, और तेजी के साथ आत्मबल में वृद्धि होते हुए आज के दिन देखेंगे। साथ ही साथ लंबे समय से चल रही कोई बीमारी से भी निजात मिलती हुई आज के दिन दिखाई देगी। सो कुल मिला के ये एक अच्छा चेंज है और आज से आपको एक नई स्थिरता की शुरुआत समझकर पॉजिटिव डिसीजन लेने चाहिए जो आपके और आपके परिवार के लिए स्थिरता का सबब बन पाए। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए आर्थिक रूप से या आर्थिक दृष्टिकोण से काफी ज्यादा आपको प्रेशराइज करता हुआ जा सकता है। खास तौर पे कुछ टफ डिसीजंस फर्स्ट हाफ के दौरान आपको लेने पड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप सूझबूझ के साथ, समझ के साथ, सारे तथ्यों का निरीक्षण और परीक्षण करने के बाद इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आप कंसिडर कर रहे हैं, आफ्टर सारी चीजें आप रिव्यू कर चुके हैं, उसके बाद अगर आप एक ठोस निर्णय पर पहुंचते हैं तो ये परिस्थिति या ये अवस्था भी आपके टोटल कंट्रोल में आ जाएगी। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में इजाफे के लिए आपके लिए कुछ ना कुछ, आप परिस्थिति को स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्गर होल्ड अपना सिचुएशन पर कार्य क्षेत्र में बनाने के लिए हायर स्टडीज या कुछ सर्टिफिकेशंस भी आज के दिन उसका करने का मन बनाते हुए नजर आ सकते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। कार्य क्षेत्र में अस्थिरता आज के दिन देखने को मिल सकती है। डिसऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं या वर्कलोड भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। पूरी सिचुएशन को आप कंट्रोल में करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन अस्थिरता आपको जीवन के हर एवेन्यूज में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आप खुद ओवर प्रेशराइज्ड हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और आप चीजों को स्पष्टता ना तो कह पा रहे हैं ना ही ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। तो आज के दिन शेड्यूल पैटर्न के हिसाब से चलना है। ऑर्गेनाइज्ड बनिए, कंसिस्टेंसी जीवन में बरतिए, ताकि आप दोनों ही एस्पेक्ट्स, वर्क लाइफ बैलेंस बना सकें, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र हो या वो आपका परिवार हो। आपके निर्णय पे ही बेसिस है कि आज का दिन आप कैसे डिसाइड करते हैं, और वो निर्णय अगर आप दिन की शुरुआत में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं तो सिचुएशंस चाहे जितनी भी टफ हो आप उसको बेहतरीन तरीके से हैंडल करते हुए नजर आ जाएंगे। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को बढ़ा सकता है, खास तौर पे सेकेंड हाफ के दौरान। तो अगर आप हल्की फुल्की सर्दी से या आपको ऑन एंड ऑफ फीवर आ रहा है उससे जूझ रहे हैं तो आप उसको अन्यथा या लाइटली ना लें, उसको चीजों को आप रेगुलर डॉक्टरी चेकअप या परीक्षण कराते रहें तो आप बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में भी रहेंगे, इंटरनल पीस भी रहेगी, चिंता भी आपकी कम होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ कुछ आपका ट्रैवलिंग भी इंडिकेटेड है कार्य क्षेत्र के विस्तार के संदर्भ में। अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको पहली चीज तो ड्राइविंग स्लो करनी है, दूसरी चीज रेगुलर एक डाइट को फॉलो करते हुए चलना है। डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको कंट्रोल में लाने के लिए अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है तो उसको आपको लाइटली आज के दिन नहीं लेना चाहिए। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा व्यस्तता का सबब बन सकता है। आज के दिन आप जरूरत से ज्यादा ओवर ऑक्यूपाइड या बिजी रह सकते हैं। चीजों को शेड्यूलिंग करने की कोशिश करेंगे लेकिन बीच बीच में आपकी अटेंशन डाइवर्ट होती हुई नजर आएगी, या रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने आप को प्रेशराइज्ड फील करा पाएंगे, या ऐसा लगेगा कि आप बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में फंसे हुए हैं, सामने वाला आपके ऊपर हावी हो रहा है या अपनी चीजों को मनवाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आप थोड़े असमंजस में आज का दिन देखने को आपको मिल सकता है। कम्युनिकेशन को क्लियर रखिए, स्थिरता के साथ आगे बढ़िए, डिसिप्लिन अप्रोच रखिए, साथ ही साथ कटु शब्दों का प्रयोग ना करें। आपकी परिस्थिति कार्य क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में दोनों तरफ बैलेंस होती हुई नजर आ जाएगी। साथ ही साथ निवेश करने से पहले सोच समझ कर किसी ऐसे व्यक्ति विशेष से सलाह मशवरा करें जिसको इसमें इस फील्ड में एक्सपीरियंस हो, तभी आगे बढ़े। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन सामान्यता जाएगा। कुछ खास उतार चढ़ाव चीजों में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे चल रही हैं चीजें बखूबी, बहुत अच्छे पेस पे आपने एक बैलेंस बनाया है, वैसे ही चलती चलेंगी। अपने आप को और आपको स्ट्रॉन्गर बेस टच कराते हुए आगे बढ़ना है। नेगेटिविटी को कंट्रोल करिए, नेगेटिव एस्पेक्ट्स को आप कंट्रोल करते हुए आगे बढ़िए। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में और आपकी स्थिरता देखने को मिल जाएगी अगर आप चीजों को बेहतरीन बैलेंस बनाते हैं।
अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, अपनी परिस्थिति को और स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए कुछ लिखाई पढ़ाई, कुछ एडेड सर्टिफिकेशंस करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं कार्य क्षेत्र में और पकड़ मजबूती के साथ बनाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपके द्वारा लिया गया कोई भी अध्ययन का डिसीजन आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिविटी लेकर कार्य क्षेत्र में आ सकता है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। ट्रैवलिंग इंडिकेटेड है तुला राशि वालों, आपके लिए जो आपका रुका हुआ काम था साल दो साल से वो भी अब आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। छोटी छोटी समस्याओं से या दिन पे दिनचर्या में आपको छोटी मोटी अगर डिस्कनेक्ट रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू में देखने को मिल रहे थे तो अब वो भी साझा होते हुए नजर आएंगे। पॉजिटिविटी आपको कार्य क्षेत्र में और आपके पारिवारिक स्थिरता भी बनते हुए नजर आएगी। मन शांत रहेगा, हेल्थ भी कंट्रोल्ड होगी या बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में आएंगे। कुल मिला के आज का दिन एक नई शुरुआत के लिए आपके लिए एक सर्वोत्तम माना जा सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ पारिवारिक सपोर्ट भी मिलेगा, कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति प्रगति या स्थिरता भी आज के दिन आपको देखने को मिल जाएगी। पार्टनरशिप्स के अगर इच्छुक हैं कार्य क्षेत्र में विस्तार के संदर्भ में अगर मैं देखूं तो पार्टनरशिप भी आपको ऑफर हो सकती है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन कार्य क्षेत्र के संदर्भ में सामान्य रहेगा, कुछ खास स्ट्रेस लेने की जरूरत है नहीं क्योंकि चीजें आपने काबिले तारीफ है कि बड़े ही कठिन परिश्रम से अपने बैलेंस या अपने अधीन ली, अपना कंट्रोल बनाया है। इसी तरह से पारिवारिक स्थिरता भी बनी हुई है, कुछ खास उतार चढ़ाव आज के दिन है नहीं, टेंशन को एक्सटर्नल लेने की जरूरत नहीं है। जो काम कर रहे हैं जैसे कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उसी अवस्था उसी पैटर्न उसी मोमेंटम में चलते चलिए। आज के दिन कुछ खास लोड लेने का भी नहीं है और कोई आपके ऊपर ऐसी कोई एक्सटर्नल सिचुएशन भी नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं सता सकती हैं और वो आप अपने परिवार के वृद्धतम सदस्यों के स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा सचेत रहने की आज के दिन जरूरत है। बात करते हैं धनुराशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, आपके लिए पूर्ण स्थिरता, पूर्ण परिस्थिति, पूर्ण स्टेबिलिटी आपके लिए अब लाइफ में आनी शुरू हो गई है। सिचुएशंस आपके फेवर में चल रही हैं, मन आपका शांत है, लोग आपके काम की तारीफ करते हुए नजर आएंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा सामाजिक साख में वृद्धि रहेगी। साथ ही साथ आप जो पिछले डेढ़ दो साल से कुछ नया करने की, अपने ऊपर कुछ काम करने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो आप अपना नॉलेज बेस बढ़ाएं, चाहे वो अध्यात्म की तरफ प्रगति की बात करें, आत्मबल में वृद्धि की बात करें, लाइफस्टाइल चेंज करने की बात करें, वो सारी चीजें अब स्ट्रीमलाइन होकर आपके सामने आने लगेंगी। योजनाएं जो आप अपने खुद के अपलिफ्टमेंट के लिए बना रहे थे अब वो साकार होती हुई नजर आएंगी, एग्जीक्यूशन उनका स्मूथली होना शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर आप आज की बात करें तो आज का दिन एक नई शुरुआत के लिए सर्वोत्तम माना जाए तो ये भी कम नहीं होगा। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। थोड़ा सा अस्थिरता का अगर मैं देखूं वातावरण घर में भी रहेगा मकर राशि वालों, तो बैलेंस बनाने की सख्त जरूरत है। चिड़चिड़ेपन को, क्रोध को, अवसाद को कंट्रोल करने की जरूरत है। छोटी छोटी चीजों में रेस्टलेसनेस तनाव लेने की जरूरत नहीं है। खास तौर पे अगर पारिवारिक स्थिरता की बात करूं तो भाई बहन से आपका कोई कटु डिस्कशन हो सकता है, कटु शब्दों का प्रयोग आपके लिए भी हो सकता है और आप भी यूज कर सकते हैं, वहां पर बैलेंस बनाने की जरूरत है। लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव, खास तौर पे पैसे के लेन देन को लेकर अगर जो चल रहा है वो भी साझा होता हुआ नजर आएगा, लेकिन सूझबूझ का आज के दिन आपको परीक्षण देना पड़ेगा। साथ ही साथ किसी ऐसे व्यक्ति विशेष को आपको नेगोशिएटर के रूप में लाना पड़ेगा जो वृद्धतम सदस्य परिवार का साबित हो सकता है। इसी के द्वारा अगर आप चलेंगे तो परिवार में स्थिरता देखने को आपको मिल सकती है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। ट्रैवलिंग इंडिकेटेड है कुंभ राशि वालों, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ये ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल्स मैनेज होते हुए नजर आएंगे, अपने आप को बेहतरीन तरीके से रेजुवेनेट भी कर पाएंगे। लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव भी अब साझा होता हुआ नजर आएगा। रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी से संबंधित मैटर्स में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो अब परिस्थितियां आगे बढ़ेंगी। ऋण लेने की सोच रहे हैं बहुत सालों से, दो तीन साल से अगर आप कोशिश कर रहे हैं कुछ नया करने की और ऋण लेने की, और चीजों को अगर आप बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हैं, आपको ये लगता है कि लोन का रीपेमेंट कैसे होगा, तो आप वो रास्ता साझा होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर आर्थिक दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो परिस्थिति आपके लिए पॉजिटिव होने वाली है। बस थोड़ा सा आपको रिव्यू करना है सारे एस्पेक्ट्स, जल्दबाजी में कोई भी ऐसा लीगल अग्रीमेंट में नहीं जाना है, एंटर नहीं होना है जो आपके लिए बाद में परेशानी का सबब बन सकता हो। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। परिवार में एक नई स्थिरता, नई ऊर्जा का संचार, कोई नई खुशखबरी, कोई नई परिस्थिति, नई विचारधारा, साथ ही साथ आत्मबल में वृद्धि भी आज का दिन देखकर जा सकता है। आप परिवार के साथ समय बिताएंगे तो आप अपने आप को बेहतरीन तरीके से रेजुविनेट भी कर पाएंगे और आगे की अगर आपने प्लानिंग करी है परिवार के साथ, अगर आप कंट्री से बाहर रहने की सोच रहे हैं या आप अपना रेजिडेंस चेंज करने की सोच रहे हैं, जो मूवमेंट फिजिकल मूवमेंट से रिलेटेड अगर आपकी कोई प्लानिंग चल रही है तो वो भी अब कहीं ना कहीं कारगर होते हुए नजर आएगी।
मन आपका स्ट्रांग रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में इजाफा होते हुए देखेंगे, पराक्रम में भी वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में प्रोत्साहन आपको अपने अपर बॉसेस से देखने को आज का दिन मिल जाएगा। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए पॉजिटिविटी या नई विचारधारा को एम्ब्रेस करना और सब तरह से बैलेंस बनते हुए आप देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।